भाजपा किसान मोर्चा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कार्यकारिणी के सदस्य देवेंद्र ठाकुर ने सोलन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और महिलाओं से वायदे कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपना कोई भी वायदा पूरा नहीं कर पाई है। न महिलाओं के खातों में 1500 रुपये आ रहे हैं और ना ही किसानों से गोबर खरीदने और दूध का उचित मूल्य दिलवाने जैसे वायदे को सरकार पूरा कर पाई है। देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार का 2 साल का कार्यकाल असफल रहा है और हर वर्ग में निराशा है। प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा था हम 1500 महीना हर महिला को देंगे 18 से 60 साल तक। आज हिमाचल प्रदेश में 22 लाख महिलाएं, किसी को रुपया नहीं मिला। फिर कहा था हम दुग्ध उत्पादकों को दूध उनका जो है 100 रुपये लीटर भैंस का खरीदेंगे, 80 रुपये लीटर हम गाय का खरीदेंगे, वो नहीं खरीदा। फिर कहा 325 यूनिट बिजली हम निःशुल्क देंगे, लेकिन जो ठाकुर जयराम जी ने 125 यूनिट वापस ले, कोई काम नहीं हुआ 2 साल में। परेशान है लोग, हर वर्ग, जहाँ बेरोजगार नौकरी ना मिलने से परेशान है, वहाँ 1500 ना मिलने से महिलाएं हैरान हैं, हर वर्ग परेशान है, कर्मचारी भी नाराज़ है।